व्लॉग में जो बच्चे का रोल कर रहा है असल में वो बच्चा नहीं है, मैं हूँ। और व्लॉग में ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वर्जन त्यूतीश में मैं हूँ। सो व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। उनकी एक बहन ना मेरी एज की है, बहुत छोटी है, उनके कजन है वो, उससे ना मेरी सेटिंग भी कराएंगी। गाइस हमने अभी बिना फिल्टर के फोटो ले ली थी और हम बिल्कुल अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे कि हम ही है। आप चलाओगे? ये कार में बैठ गए लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा कार कहाँ से ऑन होगी। अच्छा नहीं लगा तो भी तमन तो रहो, मुझे नहीं पता तमन तो तरना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? सब अपना हालचाल बता दो कमेंट्स में। तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम जाले हैं अपनी एक दोस्त से मिलने, बिकॉज हमें वीडियोस बनानी है ना साथ में प्यारी, तभी तो आप तो दिखाएंगे यार। तो लेट्स गो। पहले मैं जरा नहा लूं उसके बाद जाऊंगा, और नहाने से पहले मुझे जाना है बाल कटवाने, क्योंकि बाल हो रहे हैं बड़े और मैं मोस्टली संडे को बाल कटवाता हूं। और आज जिस दिन मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं ये है संडे। तो जिससे मिलने जा रहे हैं वो भी क्रिएटर है मेरी तरह, फनी वीडियोस बनाती है, उसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है और उसका नाम है, पता लग जाएगा जब उससे मिलेंगे। तो व्लॉग को देखते रहो, अभी बस मैं फटाफट कटिंग वगैरह करवा के आ जाऊं। और हमारा बिल्कुल प्लान बन चुका है क्योंकि हम कोलैब करके वीडियो डालने वाले हैं और वीडियो बहुत प्यारी आने वाली है, देखना जरूर इंस्टाग्राम पे। और जब तक ये ब्लॉग पोस्ट होगा वो वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे जा चुकी होगी। तो नहा चुके हैं हम फाइनली नहाने के बाद, और कटिंग भी हो गई है। कटिंग मैंने बहुत बहुत हल्की हल्की कराई है ताकि गलती से भी बाल खराब ना हो, क्योंकि भाई मुझे वीडियो शूट करनी है, फिर बाल गलत कर गए ना तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। तो अब हम पहले जाएंगे बालों में ड्रायर लगवाने, क्योंकि ना वो मेरे ततिंतरती बालों में ड्रायर लगा रहे थे, लेकिन पहले लगवाने का क्या फायदा, मैं नहाता तो थारे बाल खराब हो जाते। अब मैं उनके पास जाऊंगा और तुमदा ड्रायर लगा दो, मैं नहाते आ जाऊँ। उसके बाद हम जाएंगे साहिल के दोस्त वैभव के पास, क्योंकि हम उसे घर से पिक कर लेंगे और हम दोनों जा ले फिर मैं लड़की का नाम नहीं लूंगा उन दीदी के पास जिनके 1 मिलियन हुए हैं और हम उनके 1 मिलियन पे जा नहीं पाए थे, उन्होंने पालती कर ली थी। तो आज हम जाएंगे उनके लिए टेक लेके। तो अभी हम जा रहे टेक लेने, फिर हम जाएंगे वैभव भैया के पास, वैभव भैया को पिक कर लेंगे, फिर जाएंगे उन दीदी के पास और वीडियो बनाएंगे। और मैं तो उन दीदी से कहूंगा अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो मेरे लिए सेटिंग करा दो उससे। तो गाइस अभी मैंने जाके फटाफट केक ले लिया है, केक बहुत टेस्टी है, हमने व्हाइट फॉरेस्ट केक लिया बहुत टेस्टी। और हम जा रहे हैं पकड़ लिया साड़ा अपने बाल ना थरे तरवाने जा रहा हूँ मैं, फटाफट ड्रायर लगवाऊंगा फिर हम जाएंगे वैभव तो लेने। शहर दी हवा भी होई साडे वाल दी, आज साडे वाल दी पता नहीं कल दी। फटाफट 2 से 3 मिनट के अंदर ड्रायर लगवा लिया, अब निकलेंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब इसे उड़ा के ले चलेंगे फटाफट। नहीं 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 भाई, भाई भगवान जी बचा लेना भैया, साहिल भाई आराम से चलाइयो, तेरे बस की नहीं है तेज चलाना त्यूती, ये तो थोक थक देता था, आपको पता है इसकी आदत है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। 30 मिनट से वेट कर रहा हूँ, 30 मिनट से क्या 30 मिनट बहुत बढ़िया। ओ भाई क्या चेहरा आ रहा है, ओ मेरी जान ये मुझे पता ना, ये वैभव भाई तैयार होते थे आते ही चलते बहुत तेज, थुत तो सुंदर बन के आगे थारी लड़कियां ही नहीं देखेंगी, हम तूतिया ले जाएंगे हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएंगे, चलते हैं बहुत तेज भाई, बड़ा हरामी हो बेटा। तो अभी सीन ऐसा है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, लड़की का नाम तभी बताऊंगा तो वो लड़की व्लॉग में दिखेगी आपको। अभी कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ, तो जिसके पास हम जा रहे हैं वैभव ने उसे ये बोल दिया है कि वैभव नहीं आ रहा है, और क्योंकि ये उससे नाराज हो गया है। अब भाई देखो जहाँ प्यार होगा वहाँ नाराजगी तो चलेगी, क्यों भाई? क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन द बास्टर्ड तेरा बांच। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, दोस्त है ठीक है। तो इन्होंने उसे ये बोला कि ये नहीं आ रहे हैं, तो अभी ये उसके लिए सरप्राइज है कि ये भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो हम फटाफट वहाँ पहुंचेंगे, अब सीधा वहाँ पहुंच के व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, आगे बताएंगे कि मैं साथ में हूँ। हाँ। तक नहीं बताएंगे एकदम, और जब वहाँ पे मिल जाएगी ना वो साहिल को, तब भी नहीं मिलूंगा मैं बाद में एकदम पीछे से आऊंगा। और अभी हमने उसे ये सब भी नहीं बताया कि हम केक वगैरह ला रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मली एक शूट के लिए ही जा रहे हैं, हमने कुछ उसके आगे ऐसा नहीं बोला कि हम 1 मिलियन का आज सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मैं उस दिन जा नहीं पाया था जिस दिन पार्टी थी, तो बस आज करेंगे हम सेलिब्रेट। धोखा दिया था साहिल भाई ने मुझे एंड टाइम पे, एकदम एंड टाइम पे धोखा, धोखे बाद साहिल। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, आज सेलिब्रेशन होगा और ऐसा होगा। तो हम पहुंच चुके हैं उसकी सोसाइटी के बाहर, और मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ कि
मुझे नहीं पता अंदर कैसे आना है, ये सब वैभव मेरे साथ है, सब पता है कैसे कैसे आना है, बट मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा कि मैं अकेला आया हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं उसे कॉल करूंगा और उसका पागल बनाने वाले हम कि मतलब हम मतलब कि मैं अकेला आया हूँ, उसे बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं देना कि मेरे साथ वैभव भी है, क्योंकि हम सरप्राइज देंगे। ओ अच्छा, ओ या भाई अब ये जा रहा है छुपने क्योंकि उसको हमने नीचे बुला लिया है। भाई वहां छुपो, वहां 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 सामने। हाँ अब ये पागल बनाएंगे हम, उसे बहुत मजा आया था पंगे लेने में, तो मुझे बहुत मजा आता है। You naughty naughty guy। तो ये मैं मिल लिया उस लड़की से, ये मनमिनिया हमारे बच्चे हैं आरोही खुराना और ये उनकी फ्रेंड हेलो साहिल। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ। कार कहाँ लगाए और वैभव क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता तुम्हारा दोस्त है वो कह रहा है मेरे से, उसने बोला आपसे लड़ाई हुई है बहुत गंदी। तो उसने मुझे ये बोला, कह रहा मेरी आरोही से लड़ाई हुई है। कुछ भी बोलता है अब वो, यही बोल रहा है। मैंने उसे बोला भी, मैं उसके घर भी चला गया था। पता क्या कह रहा था? क्या? कि साहिल ने मेरे साथ एक बार खेल खेला था, मैं खेलूं। इसकी माँ का भोला चेहरा। मैंने क्या खेल खेला था? ये आपकी गाड़ी? नहीं वो वाली है। अच्छा आप उसको ढूंढ रहे होगे, आपको डाउट हो रहा होगा, आ जाओ। नहीं, वो नहीं आएगा, मुझे ये रहा है। प्लान सक्सेसफुल, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। आप चलाओगे? आप चलाओगे? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। गाइस प्रे फॉर माय कार। मैं भी ब्लॉगिंग करूं? हाँ करो करो। ये कार में बैठ गए लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा कार कहाँ से ऑन होगी। वुमेन भाई ये कार में बैठ गई, पता नहीं लग रहा कार ऑन कहाँ से होगी, अब पता लग गया। स्टार्ट नहीं हो रही, वो हो गई भाई फाइनली। स्टार्ट करो। मेरा दिल धक धक हो रहा है। भाई ने अभी गाड़ी ठीक कराई है अपनी। हाँ लग रहा है वापिस ठीक कराएंगे। हाँ मुझे भी लग रहा है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। भाई मेरा तो दिल ना धक 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 हो रहा था। गाइस हमने अभी बिना फिल्टर के फोटो ले ली थी और हम बिल्कुल अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे कि हम ही है, लेकिन अभी हमने फिल्टर लगा लिया तो हमें पहचान में आ गया कि ये हम ही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ शूट कर सके, जहाँ पे शोर शराबा ना हो। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? गाड़ी चला रहा है वैभव, तो बस सब प्रे कर रहे हैं भगवान से कि आज हम बच जाए भाई, क्योंकि बात बताओ, ये पूरी बात बताओ, इसको कार चलानी आती है बट ऑटोमेटिक, और मेरी मेरी है मैनुअल। मैं पहली बार मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ। अब अगर ये ब्लॉग पोस्ट वगैरह समझ जाता सब जिंदा है। क्या बोला तूने? अगर ये ब्लॉग पोस्ट वगैरह समझ जाता सब जिंदा है। छोटी बच्ची हो क्या? फाइनली हमें एक लोकेशन मिली जो थोड़ी शांति, वहाँ पे हमने वीडियो को शूट करा और ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये वहाँ पोस्ट हो चुकी है और इंस्टाग्राम का यूजर नेम है sahil@20। तो हमने शूट तो कर लिया है थोड़ा बहुत, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। आ रही है हमें पार्टी दे रही है 1 मिलियन की। दे रहे हो पार्टी? पार्टी में क्या? मोमोज। कंजूसी 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 भाई, झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है ये। यार मुझे तो ना बहुत थलम वाली है आलोही दीदी ते आधे, यार वो इतना मजाक करती है, मुझे तो थलम वाली है, मेरी बेइज्जती ना तड़ दे तहीं। पर आप तो पता है जब आपता भाई बेइज्जती तलने पे आया था तो तैसी बेइज्जती तलेगा बिल सबसे मजे लूंगा। लेकिन मैं ना भी उनसे ना जानबूझ के मजाक निकल रहा, मैं उनसे बोलूंगा ना अगर उनकी कोई छोटी बहन है ना मेरे जितनी, तो उनसे मेरी शैतिंग करा दो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। यह लड़ाई चल रही है कि बिलिंग मैं करूंगी, बिलिंग मैं करूंगी। तो आरोही ने हमें पार्टी दी, मोमोज खिलाए, चाप खिलाई। हंस क्यों रही है भाई? मुझे नहीं पता, देखो आरोही ने हमें पार्टी दी, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं फाइनली। मैंने मना नहीं किया था कि केएफसी वगैरह भी चल जाते थे। हर बार एक नया झूठ बोलती है किशन, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। हाँ फ्लैक्स। अब हम फाइनली जा रहे हैं केक कट करवाने आरोही का, क्योंकि आ नहीं पाए थे ना हम जिस दिन इसने 1 मिलियन की पार्टी दी थी, इसने बुलाया नहीं मुझे। ओ बुलाया था स्पेशली, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। तो फाइनली इट्स टाइम टू कट द केक, और ये रहा हमारा केक। ये रही वो लड़की 1 मिलियन वाली।
मेगा बच्चे तैयार रखना अपना। चलो 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 ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सॉरी दाइश, मैं ना तेज था तो व्लॉग में थूद नहीं आ पाया, लेकिन तेज बहुत तेज थी तो मिलते तो मजा आ गया सच्ची में। तो अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर और आरोही ने हमें भगाया है। मैं भी जा रही हूं, मैं भी जा रही। ये देखो कैसे भगा रही है, जूते भी नहीं पहनने दे रही मुझे। बाय बाय टू आरोही और बाय 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 सबको, बाय 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 मेरे साथ जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। बाय 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 बाय, आरोही को भगाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा आलोई दीदी से मिलते, और उन्होंने बोला भी है कि ना वो अपनी छोटी बहन, उनकी एक बहन ना मेरी एज की है, बहुत छोटी है, उनकी कजन है, वो उससे ना मेरी सेटिंग भी कराएंगी। मैंने तो अब तो मैं थादी तर लूंगा बहुत जल्दी से। इससे कहते हैं डेडिकेशन। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करो, मुझे नहीं पता, कमेंट तो करना पड़ेगा, और वीडियो तो लाइक भी करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो यार। मिलते हैं जल्दी, चीयर्स, जय श्री राम। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।